हेलो एवरी वन एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल मैं हूं आप लोगों का होस्ट इन दोस्त पुनीत और आज की वीडियो में ना मैं बात करने वाला हूं सोनी के नए सिनेमा कैमरा के बारे में जो कि सोनी ने जस्ट अनाउंस किया है सोनी एफ एक्स थर्टी यस ये एफ एक्स थर्टी जो है वो एक बजट में आने वाला सुपर थर्टी फाइव सेंसर के अंदर देखने को मिलने वाला एक सिनेमा कैमरा है जो कि स्पेशली बजट फिल्म मेकिंग के लिए फिल्म मेकर्स के लिए और कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए अनाउंस किया गया है तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है मैं ऑलरेडी अभी जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो एफ एक्स थ्री से रिकॉर्ड हो रही है और मैं ऑलरेडी एफ एक्स थ्री और एफ एक्स सिक्स मेरे मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहा हूँ नॉट दिस इज एफ एक्स जो कि और बजट सेंट्रिक प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा और लिटरली बहुत अमेजिंग फीचर्स के साथ में ये कैमरा आया है इस वीडियो में सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किन ने किन लोगों के लिए कैमरा डिजाइन किया गया है और किन लोगों को कैमरा परचेज करना चाहिए तो स्टार्ट करते हैं बिना वगैरह अगर आप आए चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लें एंड फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर चले शुरू कर देगा इस लेट्स गेट स्टार्टेड पहले तो मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि यार सोनी का जो सिनेमा लाइन कैटेगरी है ना वो ग्रो हो रहा है सोनी का बहुत फोकस आ गया है सिनेमा लाइन के अंदर बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन की डिमांड बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ रही है आपने देखा है ओटीटी टी यूट्यूब इसके अलावा और भी अदर कमर्शियल फिल्म मेकिंग की डिमांड बहुत स्पीड से बढ़ती चली जा रही है और बजट सिनेमा कैमरास की रिक्वायरमेंट बजट यू नो हाई क्वालिटी कॉन्टेंट शूट करने की कैमराज की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली जा रही है तो एफ अभी अगर आप सोनी का सिनेमा लाइन कैटेगरी देखें तो आपको वेनिस टू जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था देन वेनिस देन एफ एक्स नाइन देन एफ एक्स सिक्स देन एफ एक्स थ्री और अब ना होफ एक्स थर्टी इसके साथ साथ में अगर आप रोबोटिक फिल्म मेकिंग करना पसंद करते हैं तो रिसेंटली सोनी ने एफ आर सेवन भी अनाउंस किया था जो कि एक फुल फ्रेम पी टी जेड कैमरा है तो यार अगर आप अभी सोनी का लाइनअप देखें ना सिनेमा लाइन का तो इट्स वन ऑफ दी बेस्ट लाइनअप आई थिंक आपको अगर आप एक फिल्म मेकर हो या कॉन्टेंट क्रिएटर हो या आपका वीडियो में बड़ा पैशन है तो आप तो आप इन सभी कैमरा में से कोई भी कैमरा पिक कर लो अपने बजट के अकॉर्डिंगली एंड देन यू कैन एबल टू शूट रियली गुड क्वालिटी वीडियो विथ ऑल दीज कैमरास जो कि सिनेमा लाइन कैटेगरी में देखने को मिलते हैं तो सोनी एफेक्ट दैट एक बजट प्राइसिंग में आने वाला सिनेमा कैमरा होगा और आई थिंक ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो लोगों का बजट थोड़ा कम रहता है और साइमटेनियसली जो लोग अपने खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट या किसी भी टाइप का वेडिंग शूट कर रहे हो और किसी भी टाइप का यू you नो know, एक शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का कंटेंट शूट कर रहे हो तो ये उन सारी स्पेसिफिक नीड्स को कंप्लीट करेगा सबसे पहले मैं फीचर्स की बात करूंगा देखो ये बेसिकली एग्जैक्टली आपका FX3 है FX3 के सेम बॉडी डायनामिक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे सेम एग्जैक्ट बॉडी होगी बिल्ट इन फैन होगा सारा बटन्स का प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेम है और साथ साथ में इसमें आपको टॉप हैंडल ऑडियो के लिए भी देखने को मिलेगा सबसे मेजर डिफरेंस क्या है सेंसर बदल दिया गया है तो एफ एक्स थ्री में आपको एक यानी सेंसर देखने को मिलता है सो एपीएससी सेंसर, so, सेंसर जो है ये काफी न्यू सेंसर है सोने ने जस्ट अभी एफ एक्स थर्टी के साथ में ही इसे लॉन्च किया है और इस सेंसर में जो है वो आपको ट्वेंटी सिक्स मेगा पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा तो ऑफकोर्स ये फोटोज़ भी आप इससे साइमटेनियसली खींच पाओगे बिकॉज ट्वेंटी सिक्स मेगा पिक्सल है और एफ एक्स थ्री जो है वो ट्वेल्व मेगा पिक्सल है सो so यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा यू नो फोटो के भी ट्वेंटी सिक्स मेगा पिक्सल पे ऑप्शन दिख जाएंगे और वीडियो के जो ऑप्शनलिटीज़ है ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है तो so ना 4K 120 फ्रेम आप सुपर 35 मोड तक शूट कर सकोगे सो so, आप 4K 120 फ्रेम 4K 60 फ्रेम ये सब कुछ शूट कर सकते हो साथ साथ में फुल एस पे 240 फ्रेम तक शूट कर सकोगे और ये 10 बिट फोर टू टू के सारे कोडाक्स के साथ में आता है तो जो कोडैक् होने वाले हैं वो एग्जैक्ट सेम होने वाले हैं जो कि आपने ए सेवन एस थ्री एफ एक्स थ्री और ए सेवन फोर में देखे सेम पांच नए कोडेक्स आपको देखने को मिलेंगे एक्सए सी एस एक्ससी आई और साथ साथ में एक्स वी सी एच एस तो ये पांचों कोडेक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप अपने हिसाब से इन कंप्रेशन को सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी वीडियो क्वालिटी के डेटा को मैनेज कर सकते हो सेम मेमोरी कार्ड स्लॉट्स आने वाले हैं आपको एस डी कार्ड आइर आप सी एफ एक्सप्रेस टाइप के कार्ड्स को कनेक्ट कर सकते हो एंड जो एक सबसे मेजर डिफरेंस है वो है इसके बेस आई का तो एफ एक्स थ्री में आपको जो है वो बेस आएसो देखने को मिलता था वो था एट हंड्रेड ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड का दो बेस आई थे एफ एक्स थर्टी थ्री में एफ एक्स थ्री में नाउ एफ एक्स थर्टी में भी दो बेस आए सो हैं पर जो पहला बेस है वो है आठ सौ का और जो दूसरा बेस है वह ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का तो इसमें आपको दो बेस आए सो दिखेंगे एफ एक्स थ्री ज्यादा सेंसिटिव होने वाला है लो लाइट में बिकॉज फकोर्स उसमें एक फुल फ्रेम सेंसर है और यहाँ पे एक सुपर थर्टी फाइव सेंसर है और जितने मैंने अभी तक वीडियो के रिजल्ट ऑन इंटरनेट देखे हैं तो इसके भी लो लाइट में रिजल्ट एफ एक् थर्टी के भी बाई वे रिजल्ट अच्छे होने वाले हैं जब भी मेरे हाथ में ये कैमरा होगा मैं इसका एक डेडिकेटेड लो लाइट के ऊपर रिव्यू बनाऊंगा तो आप जरूर इसको देखिएगा अगर आप सिने ई आई मोड में नहीं है और बेस आई एस ओ पे नहीं काम कर रहे तो इसका जो आई एस ओ स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हंड्रेड से अगर आप एस सिने टोन या फिर फ्लेक्सीबल आई एस ओ मोड पर हो और आप एक लाख चौबीस हजार आई तक के रेंज में जा सकते हो तो काफी हाई आई इसमें भी देखने को मिलता है और एफ एक्स थ्री में अप्रॉक्सीमेटली आपको फोर लैख नाइनटी सिक्स हंड्रेड तक का हाई आई का ऑप्शन देखने को मिलता है तो ऑफकोर्स लो लाइट में ज्यादा सेंसिटिविटी आपको एफ एक्स थ्री में देखने को मिल मिलेगी बिकॉज इट्स अ फुल फ्रेम कैमरा बट अगर हम प्राइस की बात करें प्राइस रेंज जो भी इसकी आएगी और जो फीचर्स इसमें ऐड किए गए उस हिसाब से इसकी लो लाइट सेंसिटिविटी भी काफी ज्यादा बेटर है बजट फिल्म मेकिंग एंड कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए आई थिंक इज वन ऑफ दिस बेस्ट कैमरा टू गो विथ साथ साथ में इसमें ऑफकोर्स आपको फैन वैन देखने को मिलेगा हीट का डिसिपेशन है और बॉडी एज आई एड एग्जैक्टली सेम है सो एफ एक्स थ्री और एफ एक्स थर्टी की बॉडी एग्जैक्टली सेम है बस सेंसर का डिफरेंस है सेंसर आपको जो है वो इसमें एपीएससी थर्टी में एपीएससी वाला देखने को मिलता है न्यूली डिजाइन सुपर थर्टी फाइव सेंसर है जो कि स्पेशली हाई क्वालिटी वीडियो को शूट करने के लिए डिजाइन किया गया है एक और अच्छी चीज ये है बिकॉज ऑफ ये एपीएससी सेंसर है और साथ साथ में ट्वेंटी सिक्स मेगा पिक्सल तो जो इसका 4K 30 फ्रेम होगा ना वो 6K से ओवर होकर के रिकॉर्ड होगा जैसे कि हम लोगों ने A7M4 A7M4 में में देखा तो में भी 6K से ओवर लोग होता है 4K 30 फ्रेम तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो 4K के रिजल्ट होंगे वो कंपेयर टू एनी अदर कैमराज थोड़े ज्यादा शार्प होंगे बिकॉज ऑफ सिक्स के से ओवर सैंपल अदर देन दैट आपका सेम वही वाई का फाइव जी का बैंडविथ आएगा तो आप इस तरीके से कैमरे को मॉनिटर के तौर पे भी यूज़ कर पाओगे जैसे मैंने अभी यहाँ पे मेरा एफ एक्स थ्री मॉनीटर के तौर पे मैंने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है जितने भी बॉडी के अर्गनॉमिक्स को लेकर के इंप्रूवमेंट हुए थे एफ एक्स थ्री में वही सेम बॉडी अर्गनॉमिक्स के भी इंप्रूवमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे सुपर थर्टी फाइव ना का इंडस्ट्री का सिनेमा का ऑलवेज स्टैंडर्ड रहा है और बहुत सारे लोग ना डिमांड कर रहे थे इट सेल्फ सोनी से कि बजट में सुपर 35 सेंसर बेस्ड कैमरा होना चाहिए जिससे कि हम हाई क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी का बजट लेवल पे कंटेंट शूट कर सकें तो सोनी ने फाइनली सुन लिया है और इस कैमरे को लॉन्च कर दिया है ये बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और फिल्म मेकर्स की डिमांड को पूरा कर देगा आप इसे ऑफकोर्स ए कैमरा पे भी यूज़ कर पाओगे और बी कैमरा पे भी यूज़ कर पाओगे एज पर योर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ये जो पूरे प्रोडक्ट डिटेल के लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एड कर दिए तो आप सोनी की वेबसाइट पर जाकर इसके डिस्क्रिप्शन को रीड कर सकते हो पूरा पूरा फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को पढ़ सकते हो साथ साथ में जब भी मेरे पास में यह कैमरा आएगा आई एम डेफिनेटली इन श्योर यू कि मैं इसका वीडियो जरूर अपने चैनल पे पब्लिश करूँ एज आई नो कि मैंने एफ एक्स थ्री और एफ एक्स सिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं तो एफ एक्स थर्टी का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को जरूर मिलेगा तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे थैंक यू सो मच गाई फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे यून एंड कीप शूटिंग